बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज डॉक्टर फीर महबूब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बो पेन की, यानी कि कोहनी के दर्द की, और देखेंगे कि ये दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं। एल्बो पेन की 3 टाइप्स हैं, जिसमें मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर एल्बो पेन आती है। अगर हम लेटरल की बात करें तो उसमें लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, यानी के टेनिस एल्बो, और अगर हम मीडियल साइड की बात करें तो उसमें मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, यानी के गोल्फर एल्बो, और पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में किसी भी वजह से वेट बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से जो पेन कॉज होती है पोस्टीरियर साइड पे, हम उसको पोस्टीरियर एल्बो पेन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिंपल लेटरल साइड की बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि मीडियल साइड की और पोस्टीरियर साइड की पेन क्या है, वो किस वजह से होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर हम लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस की बात करें, यानी कि टेनिस एल्बो की बात करें, तो ये पेन हमेशा हमारे कोहनी के बाहर वाली साइड पे होती है। अब ये पेन क्यों प्रोड्यूस होती है, किस वजह से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको देखने के लिए हम बात करते हैं कि इसे हम ओवरयूज सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने रिस्ट का ओवरयूज करें, जिसमें हमारे एक्सटेंसर्स मसल जो ऊपर वाली साइड पे होते हैं, जो हमारे रिस्ट को एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, वो मसल का ओवरयूज हो रहा है, रिपीटेटिव यूज हो रहा हो, बार बार वो यूज हो रहा हो, तो उसकी वजह से, बार बार यूज होने की वजह से जो हमारे एल्बो पे बाहर वाली साइड पे कॉमन एक्सटेंसर टेंडन का ओरिजिन है, वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन से हमारी जो लेटरल साइड पे पेन होती है उसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। अब इसका नाम टेनिस एल्बो क्यों पड़ा, क्योंकि टेनिस एल्बो इस वजह से पड़ा क्योंकि जो प्लेयर्स हैं जो कि टेनिस खेलते हैं, वो बार बार अपने रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके आते हैं। उनका जो ज्यादा यूज हो रहा है मसल ग्रुप का, वो एक्सटेंसर रिस्ट के एक्सटेंसर मसल्स का यूज हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेनिस एल्बो, यानी कि जो टेनिस खेलते हैं प्लेयर्स हैं उनको ही ये टेनिस एल्बो का इशू हो सकता है, बल्कि जो दूसरे वर्कर्स भी हैं जैसे कि कारपेंटर, उनका भी जो यूज है वो एक्सटेंसर्स का ज्यादा है, इस वजह से उनको भी ये टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी हो सकती है। अगर हम इस टेनिस एल्बो यानी कि लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस की बात करें कि इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आती हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि घर में पर्सन खुद भी कर ले तो वो इस पेन से रिलीफ हासिल कर सकता है। उस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, यानी कि हमने अपने रिस्ट को सिंपली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में लेके आना है। जितना इजीली वो अपनी रिस्ट को मूव कर सकता है वो उतना ही करेगा। हमने ज्यादा प्रेशर रिस्ट पे नहीं डालना है क्योंकि पेन ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। हमने उतनी रेंज ऑफ मोशन कायम रखनी है जिसमें हमारी पेन ना हो, और उसमें हमने वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। सिंपली आपने अपनी एल्बो को इसी पोजिशन में रख के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करनी है 10 टाइम्स, और ये रिपीट करनी है आपने 3 टाइम्स के लिए। आप वार्म अप के बाद 3 सेकंड्स के स्टे के बाद, यानी कि रिलैक्स के बाद, आप जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम सिंपल अपने जो एक्सटेंसर मसल है उनका स्ट्रेच देंगे। अब उनके स्ट्रेच को करने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमने अपने शोल्डर को बिल्कुल 90 डिग्री की फ्लेक्शन पे लेके आना है, और अपने रिस्ट को हमने बिल्कुल नीचे की तरह लेके आना है, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है, और अपने दूसरे हाथ से इसको मजीद हमने मूव करना है अंदर की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रेचर्स पे एक मुकम्मल स्ट्रेच आए, तो आपने बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने बाजू को इस तरह प्लेस करके, रिस्ट को बिल्कुल नीचे करके, आपने इसको थोड़ा सा जब अंदर की तरफ मूव करना है तो आपने इसको थोड़ा अपने दूसरे शोल्डर की तरफ हाथ को मूव करना है, यानी कि इस तरफ आप करेंगे। जब आप इस तरफ करेंगे और फिर आप अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो आपको एक्सटेंसर्स पे होगा। एक्सटेंसर मसल पे स्ट्रेच फील होने के बाद हम इसको होल्ड करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के होल्ड के बाद जब हम इसको रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हमने ये रिपीट करना है 3 टाइम्स के लिए। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हम सिंपल अपने हैंड में कोई चीज प्लेस कर लेंगे, जैसे वाटर बॉटल हम प्लेस कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी भी हो, फुल हो पानी से,
उतना हम जितना वेट हम इजीली कर सकते हैं हम स्टार्ट में लो वेट रखेंगे। लो वेट रखने के बाद हम अपने हाथ में इस तरह से पकड़ के तो अपनी एल्बो को इस तरह 90 डिग्री फ्लेक्शन पे रख के तो हम उसको जब अपने रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे बार बार तो ये हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो रही होगी एक्सटेंशन मसल्स की। अब इसको भी हमने 10 टाइम्स के लिए रिपीट करना है और इसके भी हम सेट करेंगे 3 टाइम्स के लिए। अब ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनको ये रिसेंटली पेन प्रोड्यूस हुई है यानी कि एक्यूट पेन उनको स्टार्ट हुई है, वो जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उनको बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा वो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ब्रेस मिलते हैं, एल्बो ब्रेस मिलता है जो कि बिल्कुल हम अपने यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जब हम वो ब्रेस भी यूज करेंगे तो वो भी हमारी पेन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए हम वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को क्रोनिक पेन है यानी कि उसको काफी पुरानी पेन है टेनिस एल्बो की और इन एक्सरसाइजेस से भी वो पेन ठीक नहीं हो रही, तो उसको चाहिए कि अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से रابطہ करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा ले, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा देर तक इसी तरह पेन को मैनेज ना करें और ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये मसला बढ़ सकता है जिसमें हमारे जो रिस्ट की मूवमेंट है वो लॉस हो सकती है और पेन बहुत ज्यादा हो सकती है जिसमें आप अपनी एल्बो तक को हिलाने में बहुत आपको पेन फील होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी के थ्रू इस पेन को मैनेज करेगा और जो इन्फ्लेमेशन हुई है आपके एक्सटेंसर्स पे उसको भी मैनेज करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर